एवरीवन, तो आज मैं अपने सिस्टर के यहाँ पर हूँ और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मिलकर बंजारा मार्केट। तो ये मेरी सिस्टर का गार्डन है और उसे बहुत शौक है प्लांट्स का और केयर भी बहुत करती है, उसके प्लांट्स भी हेल्दी बहुत हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक गार्डन का लुक दे दूँ। और यहाँ पे मुझे एक बहुत क्यूट सी एक कैट मिली जो जिसका नाम जिंजर था, तो वो बड़ी क्यूट सी थी। तो सिस्टर ने भी जाना था बंजारा मार्केट और इसके यहाँ से थोड़ा बंजारा मार्केट का डिस्टेंस कम हो जाता है, थोड़ा पास में पड़ता है। तो ये रही वो क्यूट सी जिंजर जिसके बारे में बात करी थी आपसे, और बड़े अच्छे से ये अपने आप को प्यार करने दे रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ पंजे नहीं मार रही थी। तो अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ बंजारा मार्केट, सिस्टर के यहाँ से हम सब निकल रहे हैं अभी। तो आगे अभी हमने कैब बुला ली है, कैब कर रहे हैं अभी। तो मैं आपको मिलूंगी बंजारा मार्केट में, चलिए तो चलते हैं बंजारा मार्केट मेरे साथ। और मैं सिस्टर के आ गई थी एक दिन पहले और अब हम जा रहे हैं मॉर्निंग में, बिकॉज वहाँ पे बंजारा मार्केट इतना बड़ा होता है कि सुबह जाओ तब जाके कवर कर पाते हैं पूरा मार्केट। और मेरी सिस्टर का घर जो है वो थोड़ा पास में ही है। तो अब हम सब पहुँच गए हैं बंजारा मार्केट। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ एंटर करते ही देखा कि प्लांट्स भी ऐड हो गए हैं बंजारा मार्केट में, बिकॉज जब मैं पहले आई थी तो प्लांट्स नहीं थे। यहाँ अभी मैंने देखा तो प्लांट्स वाले काफ़ी सारे बैठे हुए थे और पॉट रखे हुए हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे ये बोट वाला पॉट आया हुआ है। और मैंने यहाँ देखा कि रोंकुलस रोज की वैरायटी भी थी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर लग रहे थे, और येलो कलर में भी थे वो और रेड में भी। और कुछ इस टाइप के फ्लोर लैंप भी थे यहाँ पे, कुछ इसकी भी फ्लोर लैंप की भी कलेक्शन थी, अच्छी थी, अच्छे लग रहे थे ये। और बुद्धा जी की वैरायटी बहुत सारी थी, आगे भी मैंने देखी थी और यहाँ भी बहुत सारी कलेक्शन थी बुद्धा जी की। बट फ्रेंड्स यहाँ पे जो अभी जो हम आए हैं, यहाँ मार्च का सेकेंड वीक है, फिर भी इतनी गर्मी हो रही थी और इस गर्मी में शॉपिंग करना बहुत बुरा हाल हो रहा था। और आगे अगर कोई आएगा आगे मई जून में तो काफ़ी गर्मी हो जाएगी, तो कोशिश कीजिएगा अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप जल्दी आप मार्च एंड तक आप कर लीजिए। और यहाँ डोरमेट्स बहुत अच्छे थे, डोरमेट्स की जो डिज़ाइन थे कलर थे वो बहुत अच्छे मिल रहे थे, और प्राइस वही 200, 300, 400। और कुछ इस टाइप के बाउल भी थे वहाँ पे, बाउल अच्छे मिल रहे थे, काफ़ी डिज़ाइन के मिल रहे थे, डिज़ाइन काफ़ी थे बाउल की। और कप्स की, और कप्स की वैरायटी बहुत देखने को मिली मुझे, काफ़ी सारे कप्स थे। और कुछ फर्नीचर का भी था वहाँ पे कलेक्शन, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे था सोफ़ा थ्रो तो बहुत सारे थे, बहुत सारे मिल रहे थे वहाँ पे, और 600 ऐसे से स्टार्ट थे थ्रो के जो रेट थे वो इस टाइप से स्टार्ट थे वहाँ पे। और यहाँ आगे मैंने देखा कि यहाँ पे जो टेबल मैट्स है कुछ अलग डिज़ाइन में मिल रहे थे, इस टाइप से कैट वाले और ये इस तरह से मिल रहे थे। और यहाँ पे मैंने देखा और जो फोटो फ्रेम थे कोटेशन वाले वो बहुत अच्छे लग रहे थे, ये कुछ नया मुझे लगा, कुछ नया आया हुआ है। एंड अगेन यहाँ डोर मैट्स, रग्स और फ्लोर लैम्प थे यहाँ। और यहाँ कुछ मेटल का कलेक्शन था और कुछ वुड का था, वुडन वाला कलेक्शन था, बट मुझे जो वुडन वाला कलेक्शन था कुछ खास मुझे नया नहीं लगा, वो जो पुराना कलेक्शन था वही लगा मुझे। इस टाइप का जो था यहाँ पे ये पहले भी मैंने देखा था और ये पहले वाला ही है कलेक्शन, ये मुझे कुछ न्यू नहीं लगा। और ये जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ ये मुझे नया कलेक्शन लगा यहाँ पे, और ये बहुत सुंदर था, ये देखने में ये बहुत काफ़ी अच्छा था ये, और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था इसका। और ये जो मशरूम देख रहे हैं आप डेकोरेटिव पीस, ये इतना लाइट वेट है, इसको उठाया मैंने, बिल्कुल भी वेट नहीं है इसके अंदर, और बहुत सुंदर लग रहा था ये सब।
यहाँ पे। और एक जो मैंने एक यहाँ यहीं से मैंने एक बास्केट खरीदी है बहुत प्यारी, ये जो रखी हुई है सामने, ये मैंने बास्केट ली है। और ये बड़ी वाली जो बास्केट आप देख रहे हैं वो 700 का बोल रहे थे, कोट कर रहे थे, और जो छोटी वाली है वो 500। तो ये इस टाइप की ट्रे भी मिल रही थी यहाँ पे, ग्लास ट्रे थी यहाँ पे। और ये जो बास्केट थी ये बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर लग रही थी, ये गोल्डन टच में थी ये। और इस बार फ्रेंड्स मैंने नोटिस किया कि जो फ्रंट लेन में जो बाहर की तरफ ही मार्केट लगती है तो वो सारी हटा दी गई है, और बस अब अंदर की तरफ ही मार्केट है, जितनी भी ये मार्केट है बस। यहाँ पे जो सिरामिक के ना जार टाइप के हैं वो मुझे कुछ नए लगे, वो अच्छे लग रहे थे इस टाइप के, ब्लू और येलो वाले, तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे ये। और ये कुछ राउंड शेप में थे सिरामिक के, और ये 500 का ये बोल रहे थे ये वाला। और आगे ये डेकोरेटिव पीस मिल रहे थे बहुत सुंदर यहाँ पे, ये जो एलिफेंट है ये कुछ मार्बल टच में था, तो ये बहुत सुंदर मिल रहे थे। और ये भी बहुत आगे जो और दिखा रही मैं आपको, ये भी बहुत अच्छे थे, वहाँ पे अच्छी कलेक्शन थी ये वाली। तो मार्केटिंग ये यहाँ तक हो गई है हमारी, और मैं अब घर जाके आपको मैं क्या लेकर आई हूँ वो सब अब दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या लेकर आई हूँ। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है मेरा ये बाउल है, मैं बाउल लेकर आई हूँ, ये मैंने परचेज किए हैं 4, और ये बोला था उन्होंने, कोट किया था 100 और मिला 50 का है 1, तो ये मैंने 150 का लिए हैं मैंने, तो इस तरह से मैंने 4 लिए हैं। और कलर दूसरा भी था, और लाइट कलर वाइट भी था इसमें, बट मैंने ये वाला कलर पसंद किया है। तो मुझे बाउल चाहिए थे, मैगी है या सूप बाउल है या कुछ भी उसके लिए, तो ये बाउल में लेकर आई हूँ। अच्छा है इसका जो जो इसका सेरेमिक है वो अच्छा लग रहा था। और सेकंड है ये वाला सोप वाला, इसका ये पूरा सेट है, ये सेट लेकर आई हूँ मैं, और ये उन्होंने बोला था 600 का, मैंने 200 का बोला लेकिन बिल्कुल भी नहीं दिया 200 में, तो लास्ट 300 में मुझे ये दिया उन्होंने। और काफ़ी जगह मैंने देखा तो वहाँ तो 400 से नीचे जा ही नहीं रहे थे, और एक जगह जो थे एक, और वो बुढ़े बुढ़िया थे जो उन्होंने मुझे ये लगा दिया रेट उन्होंने 300 का, और अदरवाइज तो और जगह तो 400 से नीचे आ ही नहीं रहे थे सेट, जो सेट दे रहे थे। और अगला है ये मैंने लिया है, ये वो 150 का बोल रहे थे, ये छोटा साइज़ का है, एक बड़ा वाला भी मिल रहा था इसमें, तो मैं ये छोटा साइज़ लाई हूँ, तो ये मुझे 80 का दिया है, ये 80 का पड़ा है ये। और ये लिया है मैंने एक वास, सिरेमिक का है ये, और बहुत क्यूट लगता है ये वाला, आजकल बहुत ट्रेंड में है ये, तो इस टाइप का भी आजकल एक सोबर टाइप का लगा लो तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत चला हुआ है आजकल। तो ये उन्होंने ये बोला था 500 बोला था, और मैंने काफ़ी देर तक 150 में मैं बोलती रही लेकिन नहीं दिया, तो ये 200 में मैं लास्ट 200 में लिख रही। और ये मैंने बास्केट ली है ये वाली, और ये उन्होंने 500 बोली थी, तो 150 की नहीं दी, 200 में दी है। कुछ इस टाइप से पीछे से इसका थोड़ा सा कलर छूट रहा है इसका, बट इट्स ओके। और ये मैंने 200 में ली है, और ये मुझे अपने डाइनिंग टेबल के लिए चाहिए थी, बिकॉज वहाँ पे जैसे बच्चे बैठते हैं तो सारी वायर वगैरह चार्जर वो सब इधर उधर फैलते रहते हैं, तो वो मैं डाल के रखूँगी, इसमें तो काफ़ी अच्छा लुक देगा। और नेक्स्ट है ये मेरा बटर के लिए, तो ये मैंने बटर वाला लिया है मैंने ये, तो ये भी सिरेमिक का है, बहुत क्यूट था ये, 600 का बोला था उन्होंने, और ये मुझे लास्ट ये 300 का पड़ा है, इससे नीचे कोई भी नहीं दे रहा था, मैंने काफ़ी जगह पता किया तो 300 से नीचे तो कोई भी इसको दे ही नहीं रहा, तो ये लास्ट मेरा 300 का लिया है मैंने।
और नेक्स्ट है ये मैंने कुछ इस तरह का सेट लिए हैं डाइनिंग टेबल पे, जैसे डिनर सर्व करना हो या उसके लिए सब्जी डालने के लिए, तो कुछ ही कैसरोल सेट बोल सकते हैं आप। तो ये बहुत क्यूट लग रहे थे, ये बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। ये मैंने दो तीन जगह पे मैंने इसका टैली किया, और जब मैंने इसका रेट देखा तो ये 500 का तो मुझे किसी ने दिया है ये, लेकिन बट 500 का कोई भी नहीं दे रहा था। तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक शॉप में ये मुझे 500 का मिल गया, और बहुत अच्छा सिरेमिक है इसका, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ये मैंने लिया है। अच्छा, जो जहाँ जो बोल रहे थे इसका जो रेट बोल रहे थे वो सब जगह 900 बोल रहे थे इस सेट का, सब जगह 900 रेट था, बट देने वाला जो प्राइस था सब जगह अलग ही अलग ही अलग, मोस्टली 600 ही लगा रहे थे, बट एक जगह मुझे 500 मिल गया। अगेन मैंने ये लिया है, और ये मैंने अपनी किचन के लिए लिया है, ताकि मैं जैसे सब्जी वब्जी बनती तो उसके बाद खाली करके रखने के लिए, तो किचन में ये काउंटर टॉप में बड़ा अच्छा लगेगा, देखने में भी किचन बहुत सुंदर लगेगी, तो इसलिए मैंने एक ये लिया है। और ये 400 का बोल रहे थे वो, और 200 में दिया है, 200 का लिया है मैंने। और ये दो लिए हैं मैंने मग्स, बच्चों के लिए लिए हैं ये मैंने, दूध के लिए, दोनों बच्चों के लिए, मिल्क लिए। और ये काफ़ी सारे शेड में थे, बट मैंने दोनों बच्चों के अकॉर्डिंग मैंने ये दो शेड पसंद किए मैंने। और ये लिया है मैंने 80 रुपीज़ का, एक पीस 80 रुपीज़ का है। और इसमें ये सफ़ेद वाला देख रहे हैं, ये सब में था स्पॉट टाइप का ना, सारे कप में थे वहाँ पे, ये इस टाइप के थे ना उसमें। और नेक्स्ट हैं ये कप्स, टी कप्स लिए हैं मैंने, और ये उन्होंने बोले थे 300 के 6, और 150 के हमने प्राइस करके लिए हैं ये, और ले तो लिए, बट मैं वॉइस ओवर तो बाद में कर रही हूँ जब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया इसका। बट इसके में चाय बिल्कुल ठंडी हो जाती है फ्रेंड्स, ये तो मत लेना आप लोग अगर ऐसे वाले कप लोगे तो। जैसे अगर ये हम जैसे अगर बच्चों के मिल्क के लिए या कॉफ़ी के लिए लेते हैं तो वो तो ठीक है, बट अगर चाय के लिए लेना तो ये बेकार है ये कप्स। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेटेस्ट बंजारा मार्केट हॉल, आई होप आपको पसंद आया हो, और मैं अगली वीडियो में मिलूंगी आपको। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।